हाय गाइस, अभी न्यू वीडियो में आपको SBI बैंक का इंटरनेट बैंकिंग से जो स्टेटमेंट निकालते आपको बताएंगे। अभी कैसे ऑनलाइन आप स्टेटमेंट निकाल सकते, जो आपका SBI का इंटरनेट बैंकिंग रहे तो आप निकाल सकते, इंटरनेट बैंकिंग नहीं रहे तो नहीं निकाल सकते। अभी इंटरनेट बैंकिंग आपका रहे तो आप निकाल सकते, आपको बताएंगे कैसे निकालना SBI इंटरनेट बैंकिंग से बैंक स्टेटमेंट निकालना। आपको 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना जितना भी बोले तो आप निकाल सकते घर में बैठ के। अब बैंक में जाए तो बहुत परेशानी हो गया। अभी बैंक में पहले तो कुछ ये आ गया, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये फॉर्म फिलअप करके लेके आओ, वाइट पेपर में लिख के लेके आओ, आपको क्या जरूरत है, ऐसा बोल के बैंक में परेशान कर रहे। तो आप इंटरनेट बैंकिंग में आपका लॉगिन इंटरनेट बैंकिंग आपका बने से रहे तो आप घर में बैठ के आप स्टेटमेंट निकाल सकते, उसका प्रोसीजर बताएंगे। मेरा नाम है विश्वजीत, मेरा चैनल का नाम है विश्वजीत बांग्ला। अभी इंटरनेट बैंकिंग का जो स्टेटमेंट निकालना है मैं लैपटॉप में बताता हूँ आपको। आप वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, घंटी भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कोई वीडियो डाला तो आपको नोटिफिकेशन फौरन मिलते रहेंगे। मैं लैपटॉप का स्क्रीन में जाएंगे। और एक बात है, आपका मन में कुछ भी आपका मन में रहे तो आप कमेंट भी करिए, कमेंट करे तो मेरे को मालूम पड़ता, मेरे को नोटिफिकेशन भी मिलता क्या है मेरा, क्या जानकारी आप दे रहे उसका जानकारी हम मालूम कर सकते क्या बोल रहे आप। आप कमेंट भी जरूर करिए, सब्सक्राइब भी जरूर करिए, घंटी भी दबा दीजिए। कोई वीडियो डाला तो आपको नोटिफिकेशन फौरन मिलते रहेंगे। अभी लैपटॉप पे आप लैपटॉप स्क्रीन में जाके आपको बताएंगे SBI का इंटरनेट बैंकिंग से स्टेटमेंट कैसे निकालते। अभी शुरू कर रहा हूँ। अभी मैं लैपटॉप पे आ गया। लैपटॉप के आने के बाद आपको गूगल क्रोम में वो अभी गूगल क्रोम में जाके SBI का आपको साइट पे जाना है। SBI का जो अभी SBI का जो साइट है उसके अंदर जाना है। अभी देखिए SBI का जो साइट आ गया, इसके अंदर वेबसाइट है इसका, जो इसके अंदर आप ओपन कर देना। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन करने बोलता, अभी लॉगिन कर लेना। अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन करके आपको बताता हूँ। आपका जो लॉगिन आईडी है वो दे देना, देने का पासवर्ड दे देना। उसके बाद अभी यहाँ पे नीचे पे जो कैप्चर है ये कैप्चर डालना पड़ता, तभी आप लॉगिन कर सकते। अभी देखिए लॉगिन हो गया, SBI का साइट पे लॉगिन हो गया मैं। लॉगिन होने के बाद आपका अकाउंट बता दे रहे, आपका अकाउंट भी बता दे रहे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट जाना, अकाउंट जो स्टेटमेंट बोल के लिखे से अकाउंट स्टेटमेंट में करने के बाद आपका दो अकाउंट है, दो अकाउंट बता दे रहे आपका कौन सा अकाउंट पे आप स्टेटमेंट लेने का है। अभी जैसा मेरे को एक में टिक कर दिए, करने के बाद यहाँ पे डेट डालना पड़ता आपको कौन सा डेट से आपको होना है। अभी मैं डेट डाल देता हूँ। अभी देखिए मैं डेट डाल दिए, डालने के बाद आपको फाइल सिलेक्ट कर लेना, आपको डाउनलोड करना पड़ता। आपको साइट फाइल सिलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते। अभी आपका ईमेल पे भी आ जाता। अभी डाउनलोड करने के लिए मैं फाइल सिलेक्ट कर लिए। अभी देखिए आ गया। अभी 2 मिनट का काम है, घर में बैठ के आप कर सकते। कि बोले तो बैंक पे जाने के बाद बहुत परेशानी करते बैंक का, ये लेके आओ, वो लेके आओ, बहुत परेशानी करता। वो भी बोलता आप आया, आप दूसरे को भिजाए तो भी आपको बोलते अभी किसका अकाउंट है उस पर ला लो, ऐसा करते। ऐसा करके 2 मिनट का काम है, आप घर में बैठ के आप इजी निकल सकते। अभी ऐसा करके आप इंटरनेट बैंकिंग से आप स्टेटमेंट ले सकते। अभी मेरे को डाउनलोड भी हो गया, आप देख लिए। अभी ऐसा करके आप स्टेटमेंट ले सकते घर में बैठ के, 2 मिनट का काम है। आप अकाउंट स्टेटमेंट जो SBI का रहता
एसबीआई का तो बहुत कुछ रूल है, जाने के बाद क्या क्या बोलते रहते, कुछ समझ का बाहर ही है उन लोगों। वो भी बैठ घंटे का घंटे बिठा देते, तब घर में बैठ के ऐसा 2 मिनट का अंदर अब ले सकते। यही बताना था। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्ताना से, घंटी भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कोई वीडियो डाला तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट भी करिए क्या कैसे लगा वीडियो, कमेंट भी करिए। शुक्रिया।